बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू तन्नीस किचन। तो आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैदे का एक बोल मैंने रखा हुआ है। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड, बहुत मज़े की, क्विक और इजी। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि स्पेशली संडे को ये होता है कि नाश्ते बहुत लेट किए हुए होते हैं बच्चों ने, तो दोपहर के खाने का तो सवाल ही नहीं उठता कि दोपहर को खाना खाया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ जो है वो हल्की सी 3-3.30 बजे अगर हम चाय के साथ ले लें, या अगर दोपहर में भी किसी ने कुछ हल्का सा खाना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो चलिए अपनी चिकन ब्रेड की तरफ स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैदा ले लिया है 2 कप, ये मैदा है, इसको मैंने छान लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून जो है वो खमीर यानी यीस्ट, और 1.5 टीस्पून शुगर, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से हिला लूंगी। और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने सारा मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी, ऑयल मैंने 1/2 कप लिया है, 5 to 6 टेबल स्पून, 1/2 कप। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। और उसके बाद मैंने दूध लिया है रूम टेम्परेचर पे, ये भी तकरीबन 1/2 कप ही है, तो इसको भी हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे तरीके से, जब तक ये आपके विस्कर से होता है मिक्स, तो विस्कर से कर लें, उसके बाद फिर आप इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी, इसको मैंने हाथ से गूंदना शुरू कर दिया। अब मैंने पानी लिया है तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये मैंने थोड़ा सा वार्म कर लिया है, बहुत गर्म नहीं है और ठंडा भी नहीं है, इसको मैंने वार्म कर लिया। और इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और उसके साथ ही आपने इसको गूंदते जाना है। एकदम से सारा पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि हो सकता है कि हमें 1/2 कप ही चाहिए हो, तो इसलिए एकदम से डालेंगे तो वो फिर हैंडल नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी करके डालते हैं और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, इसकी अच्छी यानी डो बन जाएगी। जी व्यूअर्स, तो ये मिक्स हो गया था, उसके बाद मैंने इसको काउंटर टॉप पे निकाल लिया। अब इसको हमने इस तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको इस तरह नीट करना है अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये पहले बिल्कुल काउंटर टॉप पे चिपक रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल सही हो गया। तो इसको इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक हम नीट करेंगे, और उसके बाद हम इसको बोल में डाल के अच्छे तरीके से इसको कवर करके शीट लगा लें या कोई प्लेट रख लें, तो उसको हम 1.5 से 2 घंटे तक रेस्ट के लिए रख देंगे। लीजिए जी व्यूअर्स, डो जो है हमारी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, और डो आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनानी, हार्ड नहीं बनानी। ये अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे बाउल में भी, और इसको यहाँ रखेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर भी हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे, और इसको अब हम रखेंगे 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि आजकल तो है भी गर्मी, तो 1 से 1.5 घंटे में इंशाल्लाह ये राइज कर जाएगा। तो चलिए फिर मीनवाइल हम अपनी चिकन की स्टफिंग तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, चिकन फिलिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून मक्खन जो है वो डाल दिया है अपने पैन में, और ये जैसे ही मेल्ट होगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे 1/2 कप जो मैंने चॉप किए हुए हैं। तो ये मेल्ट हो रहा है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप प्याज। लीजिए जी, ये मेल्ट हो गया, हम डालेंगे 1/2 कप चॉप किए हुए प्याज, और इनको हल्का सा सौते करना है, इनको ना ब्राउन करना है ना गुलाबी करना है, बस हल्का सा सौते करेंगे, थोड़ा सा ये नरम हो जाए। तो उसके बाद हम इनमें 1/4 कप जो है वो मैदा डाल देंगे। नहीं जी, ये हो गए सौते, अब हम इसमें मैदा डाल देंगे, और फ्लेम जो है थोड़ा सा हम स्लो कर देंगे, और मैदा डालने के बाद इसको बस 1 से 2 मिनट तक हमने भुनाई करनी है इसकी। फ्लेम हमारा स्लो है, अब हम इसकी थोड़ी सी 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे। तो इसकी भुनाई हो चुकी है 1 से 2 मिनट तक, अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे, और उससे पहले मैं फ्लेम ऑफ कर लूँगी और इसको
पहले बिस्क के साथ दूध को मिक्स करूंगी और उसके बाद मैं फ्लेम ऑन करके इसको पकाऊंगी। जी तो फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, चम्मच मैंने इधर रख दिया। अब जो है दूध डालेंगे एक कप और इसको बिस्क के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि सारा जो है मैदा और प्याज वो दूध में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और उसके बाद हम फ्लेम ऑन करके इसको पका लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया, ये देखें ये पकने लगा है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, पहले ब्लैक पेपर डालते हैं 1 टीस्पून और नमक डालते हैं हम 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसको मिक्स किया और उसके बाद हमने इसमें डाल दी चिकन और साथ हरा धनिया है। चिकन जो है ये 1.5 कप है और हरा धनिया जो है वो 2 टेबलस्पून है और उसके बाद हमने साथ ही शिमला मिर्च कटी भी डाल दी, ये भी हमारे पास 1/2 कप है और इनको हमने अच्छे से मिला लेना है। जी तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हमने ऑलिव्स डाल लेने हैं तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून और इसको हमने मिक्स कर लेना है और बस हमारा बैटर जो है ये तैयार है फिलिंग के लिए। तो चलिए अब हम अपने डो की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं, ये हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे, थोड़ा सा इसको काउंटर टॉप पे एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा नीट कर लेंगे, नीट कर लेंगे और उसके बाद इसको 30 मिनट्स के लिए दोबारा रेस्ट देंगे। तो इसको हम, ये देखिए मैंने थोड़ा सा और नीट कर लिया, ये जी इसको मैंने दोबारा से थोड़ा सा नीट कर लिया। अब मैं इसको फिर 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दूंगी, ऊपर हम थोड़ा सा कोई अपना किचन टावल रख देंगे और इसको 30 मिनट्स के बाद देखेंगे। जी व्यूअर्स, तो 30 मिनट्स हो चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेट हो चुका है हमारी डो। अब हम इसको एक दफ़ा और नीट करेंगे और उसके बाद हम इसको फिलिंग स्टार्ट कर देंगे इसकी और इसको बेल लेंगे, पहले बेलेंगे उसके बाद इसमें फिलिंग करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये मैंने बेल लिया है अच्छे तरीके से, ओवन मैंने प्री हीट कर दिया था पहले ही और इसको स्टार्ट करने से पहले अब हम इसमें अपना जो है वो फिलिंग जो है वो उसको रखेंगे और इक्वली हमने सारी जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, पूरे अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर लगा देनी है। जी ये मैंने अपनी सारी फिलिंग जो है वो सेट कर ली है, अब हम इस पर लगाएंगे कट्स और कट्स जो हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चौड़े लगाना चाहते हैं चौड़े लगा लें, बारीक लगाना चाहते हैं बारीक लगा लें। मुझे ज़रा थोड़े से चौड़े वाले अच्छे लगते हैं तो मैं ज़रा थोड़े से चौड़े वाले लगाऊंगी। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी कट्स लगा लेंगे। लीजिए अब हम इसको फोल्ड करते हैं, पहले ऐसे पहला फोल्ड आ गया, इस तरह से हमने सारा जो है वो अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। जी व्यूअर्स, ये हमारी चिकन ब्रेड रेडी है, अब हम इसको बेकिंग ट्रे में रखेंगे और उसके बाद हम इस पर अंडा जो है वो ब्रश करेंगे और तिल वगैरह जो है वो लगाएंगे। तो चलिए अपना लास्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जी तो पहले हम करेंगे इस पर एग योक का ब्रश कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि हमारे पास अच्छा सा एग जो है वो कलर आ जाए। जी तो एग वॉश हमने कर लिया, अब हम इसके ऊपर पहले डालेंगे सफ़ेद तिल और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी कलवंजी ताकि एक खूबसूरत सी लुक जो है इन दोनों तिलों के डालने से बहुत अच्छी सी एक लुक भी आती है और खुशबू भी आती है इसकी और जब चीज़ प्रेजेंटेबल होगी तो वो खाने को दिल भी करेगा। लीजिए जी, ये हमारी चिकन ब्रेड रेडी टू ओवन है, तो अभी हम इसको ओवन में रखते हैं और 20 से 25 मिनट तक इसको 180 डिग्री पे हम बेक कर लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, 25 मिनट्स में हमारी चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी है। अब हम सबसे पहले इस पर हल्का सा एग वॉश करेंगे दोबारा से ताकि एक तो कलर दोबारा आ जाए, दूसरा ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। एग वॉश जो है वो हम कलर के लिए करते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे मेल्टेड बटर की ब्रशिंग। इससे ये होगा कि ये ऊपर से बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी सा नहीं हो जाएगा, ज़रा सॉफ्ट सा रहेगा और खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी इसका इन्हेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सारा ब्रश कर लेंगे मेल्टेड बटर से, शाइन भी आ गई देखें इसके ऊपर
तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है और ये मैंने इसे डिश आउट भी कर दिया। देखें कितनी मज़े की लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको चाय के साथ इंजॉय कीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है और बहुत जल्दी बनने वाली है। सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा जितना कि आपको डो को राइस करने के लिए देना है। तो मुझे नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।